तो दक्ष बना रहा है अभी ट्रेन पुष्पा। हाथ की दिखानी थी यार। और ये लाई है मैक्रोनी बनाकर, ये भी बहुत अच्छा है। मिलाती हूँ मेरी क्यूटी पाई से। हेलो दक्ष, क्या कर रहे हो? ट्रेन बना रहे हो? कहाँ बनाई ट्रेन, दिखाना। तो दक्ष बना रहा है अभी ट्रेन, सो अभी टाइम लगेगा थोड़ा। कितना टाइम लगेगा दक्षा? कितना टाइम लगेगा? मोगली। मोगली में और कौन आता है दक्षु? हाथी और पुन्ना। कितनी छोटी सी है? कौन आती और पुन्ना? कितनी छोटी पुन्ना है बताओ? पुन्ना कितनी छोटी आएगी दक्षु? पुन्ना कैसे रोती है? पुन्ना रोई रोई कैसे करती है? पुन्ना कैसे रोती है बताओ? पुन्ना कैसे रोती है? वाह वाह। हंसता कैसे? आती हाँ हाँ। क्या हुआ दक्षु? कुआ कौआ। अरे वाह। पुष्पा वाला स्टेप करके दिखाओ। पुष्पा कर दो के? मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। पुष्पा पुष्पा। किसने सिखाया आपको ये? ए झूठे झूठू। अब दक्ष और हम खेली खेली करेंगे खूब सारी। ये कैच। वेरी गुड वेरी गुड। ताली बजाओ ताली बजाओ। वेरी नाइस। वन मोर। वन राम राम। वन टू चौका। ये अब की बार छक्का लगाना है आपको। वन टू वेरी गुड। और ये हाथ की दिखानी थी यार। फिर पैर की स्ट्रेंथ दिखा दी गोबलू। फिर दक्ष में पैर से नहीं हाथ से मारना था। हाथ की स्ट्रेंथ कब दिखाओगे? इनको बोलो जीत गए हम। जीत गए। तो घूमने जा रहे हैं और दक्ष मेरे को घुमाएगा दक्ष की गाड़ी में। ये है हमारी BMW। BMW है क्या दक्षु या ऑडी है? ऑडी है। क्या है ये तुम्हारी गाड़ी? क्या है, क्या नाम है? अच्छा ठीक है। ट्रैक्टर है? चलो ठीक है घुमा के लाओ। कैसे चलेगी ये? कैसे चलेगी? ए ब्लैक गाड़ी, ब्लैक ड्रेस आज तो दक्ष। ये कहाँ चले? पापा। हाँ पापा के पास चलना है। और कैसे चलाते हो आप गाड़ी? कैसे चलती है आपकी गाड़ी? चलो चलते हैं। चलो अब आप चलाओ गाड़ी। और ये देखो दक्ष ने खिलौना का ढेर लगा रखा है और ये जब तक नहीं सोएगा तब तक इनको ऐसे डालने नहीं देगा। मैं एग्जांपल दिखाती हूँ इन्हें डालने में। जैसे ही शुरू करूंगी देखना आएगा पीछे से और फिर भी खेलेगा बहुत ही जिद्दी टाइप। दक्ष इसमें डाल रही है ना। ये देखो ये देखो ये हाल रहता है। अब समझ सकते हो बच्चों के साथ घर मैनेज करना। मतलब जब तक ये नहीं सोएगा तब तक ये खिलौने ऐसे ही बिखरे रहेंगे। वो देखो रखा है दूर दूर तक तक की कोई साफ सफाई चाहिए नहीं अपने को ना? अपने को साफ सफाई नहीं चाहिए? खिलौड़ा चाहिए ऐसे? खिलौने नहीं रखने? खिलौने अंदर नहीं रखने? रख देती हूँ। बच्चों की अलग ही दुनिया होती है। पी नहीं है, पी रहे हैं अभी। चाय अभी बाकी है। और ये लाई है मैक्रोनी बना के, ये भी बहुत अच्छा है। और ये स्नैप मार रही है, फोटो खींच रही, पता नहीं। चाय बहुत टेस्टी है। तो ये चाय वाला जयपुर में है, मंगल चाय घर करके। चाय पी सकते हो, बहुत अच्छी चाय है। और आपकी कोई दोस्त हो अच्छी सी तो उससे बोल देना साथ में इस टाइप से मैक्रोनी बना के ले आए या कुछ भी खाने पीने का, नहीं तो खुद भी बना सकते हो।
आज डिनर में बन रहा है आलू की सब्जी और पूरी। तो तैयारी शुरू हो चुकी है, स्टेप बाय स्टेप दिखाते। उबलने रख दे और ये देसी घी गरम होना रख दिया। ये आटा लग चुका है पूरी के लिए। आलू उबलेंगे उसके बाद उसकी सब्जी बनाएंगे। दिखाते हैं कैसे कि गाय का घी है वो लिया है पूरी के लिए। आप रिफाइंड तेल भी यूज में ले सकते हो, पर हम घी में बनाते हैं। पूरी घी में बनती है। दूसरा हमारे मतलब दाल का छोंका भी घी में लगाते हैं। दाल और कड़ी का छोंका घी का ही अच्छा लगता है। रायते में घी से छोंका लगाते हैं और बाकी सब्जियां तो मतलब अलग अलग ऑयल्स में भी बना लेते हैं। हरियाणा में तो हर सब्जी लगभग मतलब अभी भी किसी किसी घर में ऐसा है कि हर सब्जी के तड़का देसी घी में ही लगता है। घी गर्म हो चुका है और पूड़ियाँ बनना और तलना शुरू हो गई। दिखाते हैं कैसे गोल मटोल। आटा गूंथते टाइम थोड़ी सी अजवाइन डाली है। ये पूड़ी आप छोटी साइज की भी बना सकते हो, आप बड़ी भी बना सकते हो। मंजू ने बड़ी बड़ी बनाई है ताकि मामला जल्दी निपट जाए। और बट पूड़ियाँ ठीक है, फूली फूली आ रही हैं। सिकना बहुत ज़रूरी है चाहे छोटी बड़ी हो। तो ये फूली फूली पूरी गोल गोल फूली फूली देसी घी की पूड़ी बन रही है एक एक करके। मेरा मन हो रहा है कि गर्म गर्म इस टाइप की पूड़ियाँ। तो देखिए मेरा तो बहुत मन हो रहा है, मैं वेट कर रही हूँ फटाफट बन जाए और मैं खाऊँ। पूड़ी आलू की सब्जी भी का भी कॉम्बो अच्छा होता है, मतलब वो तो होता ही होता है। खीर पूड़ी का भी बहुत अच्छा होता है और साथ में थोड़ा सा अचार होगा ना, आलू की सब्जी पूड़ी और साथ में थोड़ा सा अचार। उफ, बस ऐसे ही खाने वाली हूँ फटाफट। अब खाना तैयार हो गया है, मैं तो जा रही हूँ डिनर करने। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।